अब मैं बात करता हूं आज के हीरो की। जिंदगी के पथरीले रास्ते कैसे आसान बनाए जाते हैं, ये कोई मेरठ की सना खान से सीखे। बायोटेक बीटेक पढ़कर इंजीनियर बनी सना ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के बजाय एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसा कारनामा किया जो हजारों नौजवानों के लिए मिसाल है। सना केंचुओं से खाद बनाती है और ऑर्गेनिक खेती जोड़कर इसको हरित क्रांति लेकर आने की बात कहती है। एक तरफ जहां सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरने के कारण बच्चों की जान जा रही है, बच्चों की मौत हो रही है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बुलंद हौसले के बूते कई जिंदगियों को जीने का मौका दे रहे हैं। जी हां, 1857 में देश की आजादी में क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मेरठ ने एक और क्रांति को जन्म दे दिया है। देश को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने की क्रांति लेकर आई है 24 साल की बीटेक बायोटेक इंजीनियर सना खान। इंजीनियरिंग करने के बाद बजाय नौकरी करने के सना ने कृषि के क्षेत्र में अपना कारोबार करने की सोची और वर्मी कंपोस्ट के तहत इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्री वेस्ट, गोबर और किचन से निकलने वाले कचरे से केचुए वाली खाद इजाद करके रोजगार शुरू किया। मैं जब गांव जाती थी तो सर माहौल ऐसा होता था गांव का भी, वो लोग देखते थे, देखना ये लड़की पागल है जो शहर से मतलब लोग शहर की तरफ भागते हैं काम लेने, ये हमारे गांव की तरफ आ रही है। तो सर उस टाइम मेरे को बहुत चैलेंजेस मतलब फेस करने पड़े, मॉनेटरी टर्म्स में भी फेस करने पड़े, क्योंकि जितना मैं कमाती थी सर वो उतना ही खप जाता था और उससे ज़्यादा मुझे लगाना पड़ जाता था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मुझे प्रॉफिट आने लगा, फिर मेरा ये हुआ कि मैं इसको ही बढ़ाऊँगी। अब सना के पिता टेलरिंग का काम करते हैं और भाई जुनैद एक फैक्ट्री में कर्मचारी रहा है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी जब बेटी ने गोबर से जुड़े कारोबार में हाथ आजमाया तो समाज और रिश्तेदारों ने जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन अब सब सना के साथ जुड़ने को बेताब हैं। ये तो हमारे गर्व की बात है क्योंकि जो बेटी कर जाएगी वो शायद या आजकल के लड़के नहीं कर पा रहे जो माशाल्लाह से बेटियां कर रही हैं। सना आज 150 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने पढ़ लिख कर कुछ अलग करने की सोच रखने वाले कई नौजवानों को इस कारोबार से जोड़ दिया है। पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो शहर का 40% नालों में बहने वाला वेस्ट गोबर सना अकेले अपने कारोबार में खपा लेती हैं। सना मेरठ नगर निगम की स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी है और लोगों के लिए मिसाल। आई वॉन्ट कि मतलब ग्रीनिश नेचर हो, होल सोल ऑर्गेनिक हो, जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक हमारे को मतलब शुद्ध हवा मिले। तो मेरे को ये है कि मतलब मुझे अपना नेशन जो है वो ग्रीन ही चाहिए। ग्रीन इंडिया का सपना देखने वाली सना ने शुरुआती दौर में तमाम मुश्किलें झेली, लेकिन अपने मकसद को लेकर उनका जुनून इतना था कि वो पीछे नहीं हटी। सना को आज यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली के लोग उनकी अनोखी पहल के लिए जानते हैं।